सो गाइज यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था वेजिटा आ गया था और फिजा की स्पेसशिप में कर क्या रहा था एक्चुअली हम ये पता करने वाले थे। तो देखते हैं वेजिटा बोल रहा है कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ हैं, या तो ये कहीं पर छुपा के रख दी गई हैं या फिर फिजा उनको पकड़ के डोल रहा है। वो कहीं पर भी हों पर जो ये अर्थलिंग्स हैं वो फाइंड कर लेंगे ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें मौका मिले मुझे अपनी शक्तियों को छुपाना होगा। वो जल्दी महसूस कर लेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ और जब वो छोटे से बंदे शेनरन नाम के प्राणी को बुला लेंगे फिर मैं उन्हें मार दूंगा और अपनी विश को पूरी कर लूंगा। भाई कितना ज्यादा चालाक है, चंट पे चालाक है भाई ये। और फिर कह रहा है कि मेरे को अब अपना है ना बैटल सूट चेंज कर लेना चाहिए जब मेरे पास टाइम है ही। तो वेजिटा बैटल सूट चेंज करने के लिए चले गया और यहाँ पर क्रिलिन और गोहान का सीन आ गया। गोहान ड्रैगन रडार के अंदर देख रहा है और कह रहा है कि क्रिलिन जो ड्रैगन बॉल्स हैं वो उस साइड में है। क्रिलिन कहता है कि चलो चलें फिर गोहान। अब क्रिलिन और गोहान को तो यार एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है, अब हमें गोहान बन के यार वहाँ तक जाना होगा। गोहान कह रहा है कि ऐसा लगता है कि सातों ड्रैगन बॉल है ना एक ही जगह पर रखी हुई है। फिर बाद में क्रिलिन कहता है सुनने के बाद कि अच्छा तो अब ये हमारी बारी है। गोहान कहता है कि आई होप पिताजी अभी सही होंगे। फिर क्रिलिन कहता है बेशक वो सही होगा, वो गोकू है और साथ में वेजिटा भी है उसके। तो ये वाली बातचीत हो गई। फिर क्रिलिन वापस से बोलता है जब भी मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसी कैसी ट्रेनिंग करी कि वो इतना स्ट्रांग बन गया इतने कम टाइम में। गोहान कहता है कि अरे वो मेरे पापा हैं, वो पूरे सरप्राइज से भरे हुए हैं। तो अब हम पहुंच गए यार अपनी लोकेशन पर सीधा, यहाँ पर वेजिटा भी होगा। अब देखते हैं कि वेजिटा क्या करेगा। अब यहाँ पर इन दोनों ने जमीन पर अपने पांव रख दिए हैं और गोहान कह रहा है कि रडार ये दिखा रही है कि ड्रैगन बॉल शिप के अंदर नहीं है पर इसी के आसपास कहीं पर है। तो क्रिलिन कहता है कि ऐसा लगता है कि आसपास कोई नहीं है और अब ये हमारा चांस है ड्रैगन बॉल को ढूंढने का। भाई ये निकाल दी उन्होंने ड्रैगन बॉल, जमीन में गाड़ दी थी। क्रिलिन कह रहा है कि तो इन्होंने एक्चुअली मैं इसको नीचे गाड़ दिया था तो ग्राउंड के। फिर गोहान कहता है कि हमने सारी की सारी ले ली है। वेजिटा यहाँ से सोचते हुए कहता है तो अच्छा यहाँ पर थे तो ये ड्रैगन बॉल, जल्दी करो और शेनरन को बुलाओ बुद्धुओं। एक बार वो चीज सामने आ जाती है तो मैं इन बच्चों को मार दूंगा और अपनी मोर्टेलिटी की विश मांगूंगा। तो भाई कितनी खतरनाक सोच रख रहा है। और शायद अब एक नई चीज शुरू होगी, पोरंगा अपीयर्स, अब आएगा पोरंगा। तो यार पर इसका नाम तो शेनरन बोला था। क्रिलिन कह रहा है कि चलो चलते हैं फिर शुरू करें। क्रिलिन कह रहा है चलो ठीक है। तो क्रिलिन कह रहा है शेनरन आगे आओ और हमारी इच्छाओं को पूरा करो। फिर कह रहा है अरे कुछ नहीं हुआ, ये क्या चल रहा है, शेनरन किधर है। गोहान कह रहा है शायद ऐसा हो सकता है जो तुमने लाइन बोली है ये यहाँ पर डिफरेंट हो। वेजिटा कह रहा है तेरे की ये कर क्या रहे हैं दोनों। तो भाई गोहान को कुछ दिखाई दिया, कह रहा है क्रिलिन कोई इस तरफ आ रहा है। क्रिलिन कहता है हाँ वो दो हैं और उनके पास शैतानी पावर लग रही है और उनमें से तो एक गिन्नी वाला बंदा है। गोहान कहता है क्या इसका मतलब ये कि मेरे पापा हार गए। तो भाई ये सामने आ गए दोनों के दोनों। क्या गोकू, क्या तुमने गिन्नियों को हरा दिया और इसके साथ में दोस्ती कर ली, ऐसा ये कुछ। जीस कहता है ओ तुमने ड्रैगन बॉल को निकाल लिया। फिर गिन्नियों बोलता है तुमने ऐसा कैसे किया। क्रिलिन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, हमने ड्रैगन रडार का इस्तेमाल करा। गिन्नियों कहता है ड्रैगन रडार, क्या तुमने विश मांग ली। क्रिलिन कहता है कि ठीक है ये काफी पागलपन वाली बात है पर हमने बुलाने की कोशिश करी शेनरन को पर ये काम नहीं करा। तुम जानते हो तुम कुछ अलग लग रहे हो गोकू, ये तो स्काउटर है ना, तुमने ये पहन के क्यों रखा है गोकू। तो गिन्नू ऐसे देख रहा है बड़ी गंदी निगाहों से। तो गोहान कहता है क्रिलिन ये मेरे पापा नहीं है। क्रिलिन कहता है गोहान तुम्हारा मतलब है कि ये तुम्हारे पापा नहीं है। गोहान कहता है कि मेरे को नहीं पता इसको मैं कैसे समझाऊं तुम्हें पर ये नहीं है वो, ये बॉडी अब उस सैन की नहीं रही, मैं उसकी पावर के अगेंस्ट लड़ नहीं पाया तो मैंने ऐसे ले लिया। फिर क्रिलिन एक साथ अचंभे में पूछता है रुको ये तुम क्या कह रहे हो। तो गोकू भी जब तक यार ऊपर की तरफ हफहफी ले रहा है कैप्टन का फिर क्रिलिन कहता है और तुम। गोकू रिप्लाई में कहता है कि क्रिलिन गोहान वो मैं नहीं हूँ। क्रिलिन ये सुनने के बाद ही डर गया। फिर गिन्नू इसको देख के हंसे ही जा रहा है भाई क्रिलिन पर। तो गिन्नू कहता है कि ये बिल्कुल सही है कि मैं गिन्नू फोर्स का सबसे शक्तिशाली लीडर हूँ कैप्टन गिन्नू। क्रिलिन कहता तो भाई तोते उड़ गए, कह रहा है ये क्या। गोहान कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये मेरे पापा है। वेजिटा वहीं पर ही कान लगा के सुन रहा है, कह रहा है कि उसने बॉडी एक्सचेंज कर ली
ये तो मामले को और ज्यादा उलझा रहा है। जैसा मामला बनते जा रहा है, गोकू कहता है, गोहान क्रिलिन, मैं जानता हूँ कि तुम इस बंदे से छुटकारा पा सकते हो। अब देखते हैं भाई कैसी फाइट होने वाली है। अब तो फाइट ही शुरू होने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। गोहान कहता है कि मैं नहीं कर सकता। किन्यू बोलता है कि तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये जीत जाएंगे, ये तुम्हारी बॉडी है, ये चीज को मत भूलो। गोकू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा एक चीज के बारे में कि मेरी बॉडी है तुम्हारी नहीं, पर जब तक के लिए मेरा दिमाग इससे अलग है तो मैं ना इसकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गिन्यू कहता है, बुद्धू ग्रेट कैप्टन गिन्यू है ना, ऐसे झांसों में नहीं पड़ता कभी भी। तो गोहान और कैप्टन गिन्यू तो ऊपर आ गए हैं, फाइट शुरू होगी। जीज भी आ गया और साथ में अपना ये भी आ गया क्रिलिन। जीज कह रहा है कि मेरे को भी इस लड़ाई में शामिल होने दो कैप्टन, मैं इन छोटे से बंदों को है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता हूँ। तो वेजिटा भी नीचे से आ जाता है, कहता है कि अगर आप लड़ाई की तलाश में हैं तो भाई तुम मेरे को क्यों नहीं आजमाते। जीज कहता है, वेजिटा तुमने कब, और बस इतना कह के शांत हो जाता है। भाई फाइट शुरू होने वाली है, हो गई अब फाइट कर लेता हूँ। आ जाए इसको तो पहले, अरे भाई इसने तो पहली पेड़ डाला मेरे को यार। अरे क्रिलिन भी झटका ले रहा है मेरे को बचाने के लिए, यार तुम सब क्या कर रहे हो यार मेरे दोस्तों। बहुत हुआ, अब इसको मैं सैंको अटैक दे देता हूँ, चेप देता हूँ भाई। अरे अरे कैसे भगे भगे आ रहा है, बहुत मार दूंगा अभी। वेजिटा देखो पेल रहा है अकेला उसी को, देखो आने दो। अब गैलिक गन देख क्या ही इसका डैमेज आता है ना, जो गैलिक गन का, मेरे को गैलिक गन का सबसे मस्त डैमेज लगता है। एक और मैं सैंको देता हूँ। अबे तू पीछे क्यों आ रहा है, अरे चूहे जैसे बालों के। मसेंको ले ले तू, यार इतना पावरफुल नहीं है मसेंको, बट यार कोई बात नहीं, हमको है ना यही कर करके पावर काम चलाना पड़ेगा। अभी सोलर फ्लेयर का इस्तेमाल हमने कर लिया जिससे कि मेरे को ये मसेंको अटैक देने में यार आसानी हुई। यार मैं क्या करूँ यार, गोहान हूँ, मेरे पास सबसे जो पावरफुल अटैक है वो है मसेंको अटैक, उससे भी यार इतना डैमेज नहीं आता ना। चलो इसी से हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। काश मेरे को वेजिटा दे देते अभी तक के लिए, तो वैसे वेजिटा को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो स्पेशल पावर जैसे गैलिक गन चलाना हो गया और क्रिलिन का सोलर फ्लेयर हो गया, वो मेरे हैंड गन में है। ले भाई साहब ले, वो तो सही है, इसकी स्पेसशिप बच गई नहीं है तो भाई स्पेसशिप भी चले जाती रहे बची कुची। आ जा मैं भी तेरे को लपेट दूँ। वैसे तो क्रिलिन और ये वेजिटा ही मुझे उसे इतना बुरी तरीके से पीट रहे हैं, वो साइड से गैलिक गन चला रहा है और वो क्रिलिन वहाँ से घूसा मार। अबे यार ये पता नहीं चूहे जैसे बाल वाला बंदा बार बार पीछे से आता है घूसा मार देता है। अरे एक दिया ना मसेंको, पता नहीं कहाँ पर जाके मिलेगा तू। देख तेरे गिन्यू कैप्टन की भी मैं कैसे रेड बनाए दे रहा हूँ ना, और पीछे से अब देखना ये बंदा ही ऐसा अजीब था। देखो पीछे से आता है घूसा मार जाता है, वह खड्डी बैठी इन वाला गेम नहीं चल रहा अभी, यहाँ पे असली वाली फाइट चल रही है। तो खैर यार इसका तो काम तमाम हो गया, कैप्टन गिन्यू का 8000 की पावर लगी। अरे 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 भाई ये तो हमको ही मारने की सोच रहा है, साइड हो के अभी देखता हूँ मसेंको ले मसेंको। अबे इसने तो यार दो हाथ मिला के डुबक मारा यार खतरनाक सा, पर हमने शील्ड लगा ली थी, अच्छा हुआ। अब 1500 पावर लगे, क्या यार ये बच जाएगा क्या ये, इसमें मैं थोड़े से घूसे मारूंगा ना उसमें ही दे रही है, खत्म इसका काम खत्म। और यहाँ पर 1,25,000 की पावर रह गई है जीज की, क्योंकि इतनी देर से बार बार पीछे से घूसा मार के कह रहा था भाई मेरे से भी लड़ो मेरे से भी लड़ोगे, पर इससे कोई लड़ ही नहीं था। वो वहाँ से कामयाब यहाँ अटैक दिया अभी भाई क्रिलिन ने, कि जीज को आप बता देते हैं भाई तीनों मिल के इसका है ना पूरा भूत उतार देंगे, जितना भी उसको फाइटिंग का चढ़वा था ना सीन। अरे भाई सामने आ रहा है, अरे अरे दिए जा रहा है भाई, ये तो अभी बचाओ फिर यहाँ से। उसने फव्वारा चला दिया भाई पीछे से क्रिलिन ने कामयाबिया वाला, और अब तो गया यार, अब तो 1KV नीचे आ गया अभी, और हमारी तो यहाँ पर 1.5 लाख यार। कुछ भी ना करूँ ना मैं, जब भी जीत पाऊँगा इससे, बट हाँ यार कुछ कर लेता हूँ वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे को तो लगा था काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट होगी, बट यार गिन्यू तो यार पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया जो गोगू के पास थी। वैसे भी यार गोकू ने स्टार्टिंग में कह ही दिया था कि तुम वो वाली एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो यार अब इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब देता हूँ उसे मसेंको खत्म। यार गिन्यू है ना वैसे मजाक में ले रहा था, अभी इसके जीज को भी मार देता हूँ, इसका तो पूरा काम तमाम कर डाला। बस लात दिए जा रहे हैं, सब घूसे दिए जा रहे हैं भाई हम दोनों को एक ही बार में, यार इसने कैसे पावरलेस कर डाला यार। अबे तेरी ऐसी की तैसी, रुक अब देता हूँ इसे यहाँ से, जो कितना उजाला हो गया, इतना तो शायद अब मेरे घर का बल्ब भी उजाला देता इसका जितना मसेंको अटैक देता। हो गया भाई पूरा गेम फिनिश हो गया इसका, तो 41 के पास में पहुंचा दिया है। अभी रुको और देता हूँ इसको, पास में जाके मसेंको अटैक देता हूँ। अब है टाइम मसेंको का, ले गैलिक गन मसेंको। अरे भाई 41 से 10,000 कितनी स्पीड में पावर कम करी है,
अब तो यार इसका खेल खत्म हो गया। क्रिलिन यार मेरे सारे गोले लिए जा रहा है। मैं सोच रहा था मैं ही खाऊंगा सारे गोले, पर यार जीस के गोले यही खाए जा रहा है। अच्छी बात नहीं है क्रिलिन यार, रुक अभी इसका तो काम पूरा सेट कर देते हैं। अच्छा लगी पावर लगी, खत्म। हरा दिया भाई, पूरी इनकी गैंग हरा डाली हमने, जबकि गोकू का शरीर लेके था वो गिन्यू। तो देखते हैं यार अब क्या सीन में खड़े हैं ये। अच्छा इस पोजीशन में नहीं भाई, इसने तो गायब कर डाला ये। कैप्टन गिन्यू पीछे से बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, चीज इतनी आसानी से हार नहीं सकता। बेटा कहता है कि अब तुम्हारी बारी है भाई। ऊपर से कैसा भयंकर वाला पेल दिया इस वेजिटा ने ऊपर से। अरे भाई ये तो पर गोकू की बॉडी है, गोकू कह रहा है वो ये करने वाला है। वापस से तो बॉडी स्वैप कर रहा है भाई। इसी गोकू ने ये देखा और वो सीधे चले गया सामने की तरफ, और रिजल्ट आपके सामने ही है। खैर कैप्टन गिन्यू बोल रहा है अब, हरामी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गोकू हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं वापस से पहले जैसा हो गया हूँ। बेटा कह रहा है ये क्या बकवास हुई, ये क्या था। गुहान देख के बोल रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड अब सही हैं, मेरे डैड वापस से अपनी बॉडी के अंदर आ गए। कैप्टन गिन्यू वेजिटा की तरफ देख के कहता है धत्तेरी की इस बार है ना मैं वेजिटा की बॉडी को लेके रहूंगा। गोकू देख रहा है फिर कह रहा है कि अगर इसने वेजिटा से एक्सचेंज कर लिया तो फिर हो गया जो हमें करना है, फिर अच्छा नहीं है ये। गिन्यू यहाँ पे तड़पते हुए कह रहा है कि वेजिटा अब तुम्हारी बॉडी मेरी है। अब क्या होगा भाई इसका, वो कह रहा है परफेक्ट, ये क्या परफेक्ट वाली बात है यार, अभी तो मना कर रहा था। अच्छा अच्छा भाई क्या प्लानिंग है इसकी भाई, ये मेंढक से बॉडी स्वैप करवा दी इस गोकू ने। गिन्यू कह रहा है रिबिट रिबिट रिबिट। और गिन्यू की ओरिजिनल बॉडी अब मेंढक को मिल गई है, इतनी बड़ी बॉडी के साथ में जंप करते हुए आगे भाग रहा है। बेटा कह रहा है कि क्या हुआ अभी ये। गोकू कहता है हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने उसे फ्रॉग में बदल दिया। फिर हंस रहा है बाद में। और सीन यहाँ पर खत्म होता है। देखते हैं यार अब कौन सा सीन आता है, ये कहाँ का सीन है। अरे इसने तो ढेर कर दिया, पता ही था मेरे को तो, ऐसा लग ही रहा था, बट हाँ तो भी उम्मीद तो कर सकते थे। फ्रीजा कह रहा है कि मेरे को बताओ कि ड्रैगन बॉल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बताओ मेरे को, फिर मैं तुम्हारे सारे दुखों का एंड कर दूंगा। हो सकता है मैं तुमसे बड़े वाले को ना मार पाऊं, पर तुम इसको अपनी आखिरी चेतावनी समझो, मेरे को बताओ कि विश को कैसे मांगते हैं या फिर मरो। नील तड़पते तड़पते हंस रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे लिए अब बहुत देर हो गई है। अब देखते हैं भाई फ्रीजा क्या करेगा। नील फिर कह रहा है डेंडे अपने रास्ते पर है, फिर वो पृथ्वीवासियों से मिलेगा। वो ये बताने जा रहा है कि ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फ्रीजा कहता है क्या, फिर अपनी पीछे वाली मेमोरीज को याद करते हुए फिर यार सोचे जा रहा है उसके बारे में। ये इसके तो मुंह फट गया, आंख भी फट गई, पता नहीं क्या क्या फट गया इसका। अब कह रहा है कि तुम बस मेरा समय बर्बाद कर रहे थे है ना, बहुत गुस्से में पता नहीं क्या करेगा ये। प्रजा कहता है कि मैं गिन्यू फोर्स के एक भी मेंबर से सिग्नल नहीं ले पा रहा हूँ, वो सबके सब हार नहीं सकते। नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है वेजिटा अर्थलिंग और गिन्यू फोर्स के बीच में, और ड्रैगन बॉल्स भाई ड्रैगन बॉल्स किसको जैसे याद आई अब ये यहाँ से चल दिया, बड़ी स्पीड में जा रहा है। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रीजा, बस मैं ही ड्रैगन बॉल से विशेष को लूंगा और तुम जैसे छोटे लोग नहीं। भाई बहुत गुस्से में लग रहा है, अब मिलके सबको पीटेगा, ये अकेला ही बराबर है सबके। 5,30,000 यार हमारे किसी भी प्लेयर के पास में पावर नहीं है। अब यहां पर यार गोकू को रिकवरी दे रहे हैं ये,
वेजिटा को मशीन चलानी आती है सिर्फ यहाँ पर, मेडिकल उसी नहीं मशीन कराओगा हियर ये काम। वेजिटा शुड बोल रहा पुट है कि यू जो ये बैक इन मेडिकल प्राइम मशीन यहाँ कंडीशन पर है ये फॉर तुम्हें योर वापस से मेडिकल पहली सूट। कंडीशन में ले आएगी। ओह ओ, एंड और जब तक हम माइट एज इसके वेल अंदर गिव यू हैं तो सम तुम्हें बैटल बैटल सूट्स सूट्स दे व्हाइल वी देता आर हूँ एट इट, कुछ, कम से कम दैट तुम वे यू विल उससे एट लीस्ट कुछ बी हद तक समव्हाट प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड। रहोगे। क्रिलिन बोलता है, बैटल बैटल सूट्स, सूट्स? यू मीन लाइक दैट अच्छा, वन? कुछ ऐसे तरीके का? गुहान आई डोंट कहता रियली है कि लाइक मेरे हाउ को इट सच्ची में लुक्स। अच्छा नहीं लगता देखने में। Whoa, this is crazy. क्रिलिन It's कहता है, super वाह, lightweight. ये तो It feels बहुत like I'm ज्यादा not ही wearing हल्का anything है, at all. ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ And these पहन के ही shoulder नहीं pads रखा। don't really फिर get in the गुहान कहता way. है, और जो ये What if शोल्डर all पैड्स हैं sorts ये of रस्ते them में भी move? नहीं आते जब मैं हाथ Go ऊपर करता on. हूँ तो? We should क्रिलिन head over to गुहान से Guru's बोलता है, place गुहान while अब हमें Goku's गुरु की जगह recovering. पर जाना चाहिए If we जब don't तक find out how गोकू to यहाँ summon पर रिकवर हो Shenron, रहा then है। we अगर came हमने all the way पता out नहीं here करा for कि nothing. शेनरॉन को कैसे बुलाया Right? जाए तो हम यहाँ पर Let's get कोई going. मतलब के लिए नहीं आए थे। Go गुहान find out कहता how है to कि चलो activate the Dragon करते। Balls. वेजिटा कहता है कि जाओ और I am पता करो going कि to rest एक्टिवेट up कैसे करते before हैं this ड्रैगन बॉल्स fight को। with.